सब्सक्राइब कीजिए लर्न टीवी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को दो भागों में बांटा, मोटे तौर से नव द्वार, आंख, कान, नाक वगैरह नीचे का हिस्सा, ये माया का जगत है, और दसवां द्वार, ये शिव की तीसरी आंख देखिए आप, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। जब तक ये दसवां द्वार नहीं खुलेगा भाई, न योग है न ध्यान है, फिर रोग कहां से मिटा? तो ये रोग मिटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जन्म मरण, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा, ये मेरा चैलेंज है। तो इस प्रकार एक ये आराधना की विधि है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। इसमें गुरु बताता है, मंत्र दीक्षा देता है, उस मंत्र को जपोगे आप तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप लोग बाहर जिस देवी को पूजते शक्ति के रूप, राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है, और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। रामदेव बाबा की तरह नहीं, वो अंदर बैठा है रामदेव बाबा आपके, वो करवाएगा, वो मतलब जगत जननी कुंडलिनी आपके सब योग करवाएगी, वही योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे शारीरिक सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, हो रहे हैं, एक नहीं लाखों के हो रहे। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है उसको मैंने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए, मेरी एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, उसका ऑडिट होता है, समझे समझे, जो कुछ कर रहा हूं उसकी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, मेरी देश के प्रति। अब जो एक फर्क इतना है कि अब गुरु आजकल इतने हो गए कि पत्थर मारो तो गुरु के सिर पर पड़ो, मेरे को तो चेला मिला ही नहीं इस देश, सारे गुरु ही गुरु। अरे गुरु को जब गुरु नहीं मानोगे दिल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें पढ़े लिखे का काम नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अंगूठा साफ था, अनपढ़ साफ था मित्र, फिर कहां तक तो कहां पहुंच गया? रामानंद से ऊपर पहुंच गया, गुरु से ऊपर बढ़ गया कबीर, मगर बेचारा गुरु नहीं था। वो चल रही है उसके नाम से, कलयुग में तो ऐसा होता है, सभी चलती है। तो इस प्रकार इसमें नाम जप और ध्यान से होगा। अब आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग नए आए, जो मैं कहूंगा ना उस पर विश्वास नहीं होगा, ये रियलिटी मैं भी जानता हूं। कई जगह ऐसा बोला भी लोगों ने, खाली गुरु जब बोल रहे थे हम देखते क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, मगर जब ध्यान करवाए तो हालत खराब होगी सबकी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पास में ही है, इनके हॉस्टल में वो एक मेरे शिष्य है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज के, हॉस्टल में ध्यान करा दिया तो फायदा, तो लड़की हंस रही थी, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इसलिए बोली तो नहीं बेचारी, जब कराया ध्यान तो फिर योग होने लग गया, लोटपोट हो गई, एक लड़की तो आंख खुली नहीं, फिर कहा क्यों?